स्ट्रीट बस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। अभी अभी निकलकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, देखिए क्या है बड़ी खबर। NIA की टीम ने 5 दिनों के अंतराल में औरंगाबाद जिले में लगातार दूसरी बार छापेमारी की है। यह छापेमारी बुधवार को गोह प्रखंड में मोथा रामडी में की है। NIA की टीम ने गांव में जयराम सिंह के भाई रामाश्रय सिंह के घर पर छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि रामाश्रय शर्मा के बहनोई प्रद्युमन शर्मा जहानाबाद के घोसी के निवासी हैं। कहा जा रहा है कि वो शीर्ष सस्त नक्सली और जेल में बंद है। आरोप है कि प्रद्युमन सिंह ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर अवैध संपत्ति बना रखी है। इसे लेकर ही NIA की टीम नक्सली के साले के घर पर छापेमारी कर रही है। संवाद प्रेषणा तक छापेमारी जारी है। NIA के हवाले से अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है, विस्तृत समाचार की परीक्षा है। गौरतलब है कि हाल में ही 2 सितंबर को NIA ने गोह के ही महेश परासी में चर्चित माओवादी नेता विजय आर्या के जिला पार्षद पुत्री शोभा कुमारी के पति विधानसभा चुनाव में गोह से प्रत्याशी रहे राजद नेता के घर पर छापेमारी की थी। साथ ही इसी दिन NIA ने विजय आर्या के पटना के AG कॉलोनी स्थित आवास, गया जिले के करमा स्थित पुत्र के आवास और उनके सहयोगी अनिल यादव के रफीगंज के चंदोल गांव स्थित घर पर एक साथ छापेमारी की थी। हालांकि NIA की ओर से कोई भी जानकारी अभी तक नहीं दिया गया है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें।